हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। अब जो है देश की जनता जाग रही है और ईवीएम हटेगा, ईंट की ईंट बजा देंगे, ये हमें नहीं रोक सकते, हम इनके ईंट की ईंट बजा देंगे। इस तरीके से बैरिकेड पर चढ़कर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, गिरफ्तारी दी जा रही है। कैमरे के सामने इतनी बड़ी घपलेबाजी कर सकते हैं, जो मशीनें कैमरे के अंदर है ये उसके साथ क्या करते होंगे ये तो वही जानते हैं। मोदी सरकार चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, चाहे बेचने वाला प्रधानमंत्री बनिया, चोरी नहीं करे क्या करेगा, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है आज। मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की पुलिस ने हमारे फंडामेंटल राइट को पूरी तरह वायलेट किया है। ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है, और इसका जो गुंडागर्दी चल रहा है उसके खिलाफ। ईवीएम हटाने के लिए विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, सर क्या कहेंगे, ईवीएम हट जाएगा इससे? बिल्कुल हटेगा, देश में अपनी आवाज उठा रहे हैं, किसान भी अपना हक मांग रहा है, जवान भी अपना हक मांग रहा है, आम जनता भी अपना हक मांग रही है, तो देश की जनता अपना हक मांग रही है, भाई देना पड़ेगा, क्यों नहीं। ये देखिए सारे नेता जा रहे हैं, हम जाएंगे। आयोग मानने को ही तैयार नहीं है, ईवीएम है कौन? चुनाव आयोग कौन है, देश की जनता है, चुनाव आयोग है कौन? लोकतंत्र में देश की जनता मालिक है, देश की जनता ही चुनाव आयोग चुनती है। अगर चुनाव आयोग देश की नहीं मानेगा तो रहेगा कैसे? राजा जो होता है बिना प्रजा की सहमति के नहीं रह सकता, ये प्रजा ने विद्रोह कर दिया है, ठीक है, अब क्या करेंगे, राजा को बात माननी पड़ेगी। अगर चुनाव आयोग इन्होंने कैप्चर भी कर लिया है तो भी छोड़ना पड़ेगा। राजा बात कहाँ मान रहा है इस समय, अगर किसानों का आंदोलन का एग्जाम्पल दे तो माथे में गोली मारी जा रही है किसानों की, कितनों के मारेगा, यही तो इस सरकार की विडंबना है। दो बहनों का इकलौता भाई था, वो 23 साल का नौजवान, लेकिन उसे जानबूझकर गोली मार दी गई, क्यों मार दी गई, और इस देश के जवान से ही मरवाई गई। देश को बांटा जा रहा है, देश को विभिन्न हिस्सों में, ये देखिए ना क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कौन है बैरिकेड के, इस देश का जवान है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, वो आपस में टकराव की स्थिति क्यों है? कोई हम पाकिस्तानी नहीं है, वो नहीं है, दूसरे देश से नहीं है, हमारा आधार कार्ड देख लो भाई, और क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या विकल्प बचे हैं? अब गरीब किसान है, वो तो ड्रोन ला नहीं सकता, ना उसके पास बंदूक है, उसके पास बेचारे के पास पतंग है, 5 रुपए की पतंग से उसको ड्रोन से लड़ना पड़ता है, हर चीज़ में हम क्या हैं आज, क्या कैसे लड़े, हमें शहादतें देनी पड़ी। 4 लाख से ज़्यादा किसान पिछले 10 साल में शहीद हो चुका है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर तस्वीरें देखिए, डॉक्टर उदित राज जो है वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के तहत जो है लगातार तमाम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड पर चढ़कर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, गिरफ्तारी दी जा रही है, पुलिस ने डिटेन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है, और लगातार यहाँ पर जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ है। अब जो है देश की जनता जाग रही है और ईवीएम हटेगा और बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू होगी। मोदी कहते हैं हमारी जीत की गारंटी है, जीत की गारंटी उनकी ईवीएम से हो सकती है, परंतु जनता की आवाज कोई नहीं नकार सकता, जनता जाग रही है और इनके पूरे षड्यंत्र देख रही है। आप देखिए उदित राज की गिरफ्तारी हो चुकी है, उदित राज की गिरफ्तारी, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं डॉक्टर उदित राज की गिरफ्तारी हो चुकी है, और यहाँ पर जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ है, बैरिकेड जो है गिरफ्तार करके लेकर जाया जा चुका है। वही आपको बता दें कांग्रेस नेता वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकर जाया जा चुका है। तमाम लोगों से बात करनी है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, लगातार जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और मोदी तारी ईट की ईट बजा देंगे, दिग्विजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई, दिग्विजय सिंह हमारा नेता है, ये हमें नहीं रोक सकते, हम इनके ईट की ईट बजा देंगे। आप अभी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम बड़े नेता जो यहाँ पे गिरफ्तारी दे चुके हैं, दिग्विजय सिंह हो या उदित राज हो, और लगातार ये लोग ईवीएम हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है, सर क्या
बता रहा हूँ, आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ईवीएम कैसे हटाएंगे? चुनाव आयोग अभी भी मानता है। हमने ये चीज अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ के इलेक्शन में देखी कि किस प्रकार अगर ये कैमरे के सामने इतनी बड़ी घपलेबाजी कर सकते हैं। जो मशीन है कैमरे के अंदर है, ये उसके साथ क्या करते होंगे ये तो वही जानते हैं। ये हमारी लड़ाई किसानों के विरोधी सरकार के है, किसान के विरोधी उस सरकार से है, ईवीएम के खिलाफ है कि किस प्रकार से ये एक लोकतंत्र को ना चाहते, एक तंत्र को जाना चाहते हैं। ईवीएम हटाओ। मोदी सरकार जीत की गारंटी दे रही है। मोदी सरकार चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, चाहे बेचने वाला प्रधानमंत्री बनिया, चोरी नहीं करे क्या करेगा, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है आज। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश की जनता इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी, जब तक ये हमारा जो मांग है, देश की जनता की मांग है कि ईवीएम को हटाइए, ईवीएम से पेपर वोट देना बंद करवाइए, पेज पेपर भी वोट कराइए। आयोग नहीं करा रहा। हम लोग मांग तो कर रहे हैं, देश के कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल भी मांग कर रहे हैं, देश की जनता मांग कर रही है, तो ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से तमाम उन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई है, और यहाँ पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो या और तमाम बड़े नेता, जहाँ प्रदर्शन करने के लिए रखा गया है, और हमें फंडामेंटल राइट की गारंटी भारत का संविधान देता है, लेकिन मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की पुलिस ने हमारे फंडामेंटल राइट को पूरी तरह वायलेट किया है, और हम इनके खिलाफ केस भी डालेंगे, क्योंकि हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम लोग केवल सरकार से मांग करने आए हैं, इलेक्शन कमीशन से मांग करने आए कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर। सभी पार्टी आएगी, आना पड़ेगा। आज इतनी बड़ी आंदोलन, क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम है आपको? ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर। देना चाहते हैं क्या हमारे देश में? ईवीएम को हटाने के लिए हम प्रतिरोध नहीं कर सकते। तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन जो है बहुत भारी मात्रा में की गई। यहां पर तमाम वो बड़े नेता भी मौजूद रहे, सुप्रीम कोर्ट के जो है वकील वो मौजूद रहे, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जो है वो मौजूद रहे, और सब ने अपनी गिरफ्तारी दी है। यहां पर बसों में जो है उनको डिटेन करके लेकर जाया गया है, लोगों से जानने और लगातार जो है लोग। लेकिन हम एक बात कहते हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग प्रशासन से जो है जिस प्रकार? मैडम ये तो हमारा जनतांत्रिक अधिकार है, विरोध करना हमारा जनतांत्रिक अधिकार है, तो हमें करना चाहिए, हम करते रहेंगे। ये जितना दमन करना चाहे कर सकते हैं। बैरिकेड कोई नहीं तोड़े, हम तो शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे हैं आगे, लेकिन जाने कहाँ दे रहे हैं हमें? कहाँ बस में बैठने जा रहे हो? नहीं बस में बैठ जाएंगे, बस में क्या दिक्कत है? पुलिस बैठाएगी, जहाँ बैठाएगी वहाँ बैठ जाएंगे। हम तो जंतर मंतर जाना चाहते हैं। बैरिकेड तोड़ के कहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे आप लोग? जंतर मंतर तोड़ के हम तो जंतर मंतर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर डिटेन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें तमाम लोग ने गिरफ्तारी दी है और अभी भी नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, लगातार गिरफ्तारी? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये आंदोलन था ना, ये देश के हित में जा रहा है सारा आंदोलन, जो देश के हित में ये लोकतंत्र में गुंडागर्दी चल रही है भाई। ये हमारे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई भय नहीं है। जब तक जान है जी, ये दिल्ली पुलिस ने फाड़ा है, लेकिन हम किसी भी हालत में लोकतंत्र को बचाने के लिए जहाँ भी जाएंगे चले जाएंगे, जहाँ भी ले जाएंगे चले जाएंगे, देश को बचाएंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जिस तरीके से गिरफ्तारी हो, क्या कहेंगे? देखिए गिरफ्तारी करना कानून का काम है, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के जा रहे हैं। ये आंदोलन था, ये हमारे अपने कार्यालय पे हुआ है, युवा कांग्रेस का जो कार्यालय वहाँ पे हुआ है, शांतिप्रिय हुआ है, इसमें किसी ने कोई भी ऐसी बात नहीं उठाई जो देश के हित में। 144 लगी थी, आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते? नहीं नहीं, धारा 144 का मतलब ये नहीं होता है, आप धारा 144 का मतलब ये नहीं होता कि हमने शांतिप्रिय अपना प्रोटेस्ट किया है। हम अपने कार्यालय में बैठ कर अपनी बात उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और ये देश के हित में आवाज़ है। मना किया गया था तो
जबरदस्ती करने हम अपने कार्यालय पे हैं, अपने कार्यालय पे हम कर रहे हैं। क्या मैसेज होगा मोदी अमित शाह को? ये मानना पड़ेगा कि देश में ईवीएम को हटाना पड़ेगा और हमारा हाथ हमारी पर्ची से चुनाव होना चाहिए। यही हमारा देश की जनता को, ईवीएम में वोट नहीं करेंगे हम लोग, बैलेट पर्ची से वोट करेंगे। देश एक ही नारा है आज भारत की जनता का, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अगला दिन में देश में ये नारा जोर से जाएंगे, दिल्ली से गांव तक जाएंगे। ये ईवीएम के खिलाफ पश्चिम में इलेक्शन करना ये हमारा मांग है। पुलिस का जो गुंडागर्दी चल रहा है उसका खिलाफ लगातार जो है लोगों की मांगों के साथ हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर कितनी सारी गिरफ्तारियाँ हुई, तमाम लोगों ने अपनी गिरफ्तारियाँ दी हैं और यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं वो ईवीएम चोर है के नारे लगा रहे हैं और नारे के साथ सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर धारा 144 जो है लगाई गई है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की जो है मांगे थी, जिसे पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जो है इन लोगों ने यहाँ इंडियन यूथ कांग्रेस पर आकर प्रदर्शन किया। वहाँ से जंतर मंतर तक जाने की जो प्रयोजना थी उसको जो है पुलिस ने पहले से ही घेराबंदी कर रखी थी और जैसे ही ये लोग आगे बढ़े बैरिगेडिंग की गई, बैरिगेडिंग को तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी में तमाम बड़े नेता भी शामिल रहे और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इन्हें गिरफ्तारी दी और तमाम लोग जो हैं रहे और लगातार ईवीएम के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है लगातार उठ रहा है, उनकी आवाज़ें जो है उठ रही है और साफ कहना है कि ईवीएम के से चुनाव नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी हम चुनाव देंगे, वरना ईवीएम को फोड़ने का काम करेंगे। और ये यहाँ की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई इसमें कई सारे लोगों को ऐसे जो चोटें भी आई हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।